हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं JBL के एक स्पीकर की। तो पहले भी मैंने JBL के एक ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग की थी, बट वो छोटा वाला था और इस बार जो हम लोग करने वाले हैं वो काफी बड़ा है। उसके अंदर काफी ज्यादा साउंड है पिछले वाले के बनिस्बत और बैकअप वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी दबाइएगा, घंटी इधर आएगा, उस घंटी को जरूर दबाइएगा। अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है इसका बॉक्स, JBL Flip 2 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, और यहाँ पे इसके डिटेल लिखी हुई है, मॉडल नंबर और डेट और दाम। दाम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस दाम पे आप ध्यान मत दो, ये दाम ज़्यादा है, कुछ कम का ही है। ये यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, इधर साइड में दिया गया है कि कैसे क्या करना है, और इधर साइड में देखिए यहाँ पे स्पीकर की एक फ़ोटो है और कुछ नहीं, इधर भी बस फ़ोटो है, ज़्यादा कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। तो बस हम लोग बॉक्स को अब खोल लेते हैं जल्दी से और कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलेगा, सील पहले से मैंने खोली हुई है, और ये है इसका बिल। बिल पे आप प्राइस देखोगे तो 4699 रुपया, और ध्यान से आप देखोगे तो इस पे 1027 रुपये का GST लगा है, बहुत ज़्यादा है भाई, चलो जो है सो है। और ये है स्पीकर, एक सेकंड, ये देखो ये है स्पीकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग दी गई है, JBL आपको लिखा हुआ दिख रहा है। बस इसके अंदर दो स्पीकर हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इधर साइड में इसके कंट्रोलर्स हैं, इससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक सेकंड, हाँ तो इससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, इससे आप इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ सर्च कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम घटा सकते हैं, सब कुछ वर्क करेगा। इधर साइड में देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर NFC भी दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ से देखिए ये चार्ज होता है, और यहाँ से आप ऑक्स केबल यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि इसका आउटपुट बाहर कर सकते हैं। और ये इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 बैटरी है। बाकी इसके बॉक्स पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा 5 आवर्स प्लेबैक, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि 5 आवर्स की बैकअप देता है। तो चलिए दोस्तों रिव्यू कर रहा हूँ मैं, तो देख लेते हैं कि क्या होता है। बहुत जल्दी आपको रिव्यू की वीडियो मिलेगी, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसा था और इसके अंदर सब कुछ क्या वर्क करता था।